मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पूरे दमखम से बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में जुट गई है। इसी क्रम में सागर में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने हमारे विधायक चुराकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, ये नाजायज सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में तो 40% कमीशन चलता था, लेकिन यहाँ तो कमलनाथ को हटाने वालों ने 50% लेना शुरू कर दिया। हम बदला लेने की नहीं सोचते हैं, लेकिन बदलाव लाने की जरूर सोचते हैं, इसलिए जब नवंबर में हमारी सरकार आएगी तब उन्हें भी मुश्किल होगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी जनादेश का अपमान करती है। हम एमपी में जीते थे, लोकतंत्र के दम पर जीते थे, लेकिन जो लोकतंत्र की बात करते हैं उन्होंने ही उसे छीन लिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी वाले एक तरफ स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, दंगे कराकर लोगों में फूट डालते हैं। मध्य प्रदेश में इलीगल सरकार है क्योंकि इन्होंने हमारे विधायकों को चुरा लिया था। देखिए, मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, सारे मंत्रीगण भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, गोविंद सिंह जी भी है, बहुत सारे नेता यहां पर बैठे हुए हैं। अरे हम जीता, लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस जीता, लेकिन उसको छीन लिया किसने? किसने छीना? और लोकतंत्र की बात करते हो आप, एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए। यहां पर जो हुकूमत बनी वो नाजायज हुकूमत है, लीगल नहीं है, ये इल्लीगल गवर्नमेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों के वक्त ही संत रविदास जी याद आते हैं। 9 साल से मोदी सरकार है, शिवराज 18 साल से सरकार में है, रविदास जी अब क्यों याद आए? चुनाव आने वाले हैं इसलिए है। इन्हें रविदास जी की इतनी चिंता है तो दिल्ली में संत रविदास जी की यादों से जुड़े ऐतिहासिक मंदिर को क्यों गिरवा दिया? खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो बुंदेलखंड क्षेत्र में संत रविदास जी की याद में विश्वविद्यालय बनेगा जो देश भर में उनके विचारों की रोशनी बिखेरेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी चीफ कमलनाथ की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, इसलिए कमल को छोड़ो और नाथ को पकड़ो, इस नाथ को आपको जिताना है। संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए मोदी जी को, भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया? क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। यहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहां पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, मगर नहीं आने वाली ये है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जो भी अच्छे विचार वालों के
स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहां पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि चव्हाण ने गेहूं दिया, राशन दिया, वो फलाना दिया, ये कुछ नहीं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं कि क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह की झूठ की मशीन चलेगी उतना ही उनको नुकसान होगा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज रोज घोषणाएं कर अपने 18 साल का पाप धो रहे हैं। जनता शिवराज की नाटक नौटंकी पहचान चुकी है। मैं तो शिवराज से कहता हूं कि आप बंबई जाकर एक्टिंग करिए, मध्यप्रदेश का नाम रोशन करिए। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचार में नंबर वन है। भाजपा की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। इनके नेताओं और मंत्रियों को बेरोजगार बनाने पर प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहने याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।